नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार सी एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो है हमारे क्लास 10th 12th के बच्चों के लिए जो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उनकी? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत। और वो डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन है उनके चारों ओर, क्योंकि उन्हें इतने रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि दोस्त यार कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, रिश्तेदार कुछ बोल रहे हैं, टीचर्स कुछ बोल रहे हैं, इंटरनेट पर कुछ और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इतने सारे जब आपके सामने पाथ होंगे तो फिर आप कंफ्यूज ही होंगे। मुझे जरा एक छोटी सी बात बताइए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपको 10 ऑप्शन दे दूं, वो ज़्यादा आसान होगा या जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शन हो? तो नेचुरली आप कहेंगे 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन का आंसर देना इजी रहेगा। तो बस यही आपके करियर के साथ भी है। जब आप बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो आपके दिमाग में मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं और फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से पथ पर मैं जाऊं, कौन सा रास्ता मैं चुनूं जो मेरे लिए अच्छा हो। आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आती है और फिर जब हर चीज़ अच्छी नज़र आने लगती है तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे दोस्तों कि किस रास्ते पे मुझे जाना है और कैसे अपना सही करियर चूज़ करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सही करियर चूज़ करने के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए, और अगर हमारे स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे तो वो एक सही करियर चूज़ कर पाएंगे अपने लिए, ताकि वो एक सक्सेसफुल, हैप्पी और पीसफुल लाइफ जी पाएं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप अपनी लाइफ का डिसीजन ऐसे ही मत लीजिए कि किसी को देखकर कि किसी फील्ड में बहुत पैसा है उस फील्ड में चले गए। जी नहीं दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप एक वेजिटेरियन इंसान है, ठीक है, आप सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, आपको किसी एक ऐसी कंट्री में भेज दिया जाए या आप किसी एक ऐसी कंट्री में चले जाएं जहां पे सिर्फ नॉन वेज ही मिलता है, वेजिटेरियन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या आप वहां पर सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि आप उस जगह बिना पूछे बिना समझे अपने आप को जाने पहुँच गए, आपने चेक ही नहीं किया कि वहां पर जाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी सूट करती है कि नहीं। आप एक वेजिटेरियन हैं और आप बिना सोचे समझे एक नॉन वेज कंट्री में चले गए। आप क्यों चले गए ये भी जान लीजिए कि आपने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लाखों लोग जाते हैं, बहुत सुंदर कंट्री है, इतने विजिटर्स वहाँ पर जाते हैं, इतने टूरिस्ट जाते हैं, ये उसमें घूमने की इतनी अच्छी अच्छी जगह है। लेकिन आप जब दूसरों को देखकर वहाँ पर पहुँच गए तो आपको पता चला कि आपकी पर्सनैलिटी को तो वो सूट ही नहीं करता। आप ठहरे वेजिटेरियन और वहाँ पर तो सिर्फ नॉन वेज ही मिलता है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सबसे पहला स्टेप जो करियर चूज करने का है वो है नोइंग योर पोटेंशियल। लिख लीजिए, नोइंग योर पोटेंशियल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर करियर चूजिंग जर्नी। हम सब पता है क्या गलती कर रहे हैं, हम जैसे ही 12th पास करते हैं हमें लगता है कि अरे इसका एंट्रेंस फॉर्म निकल आया, रेलवे का निकल आया, बैंक का निकल आया, इंजीनियरिंग का निकल आया, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी, चलो BSc का BA का फॉर्म भर दें। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये सब क्या हमारे लिए है भी कि नहीं, कि हम जस्ट फ्लो में बहे जा रहे हैं, जो दूसरे कर रहे हैं, पेरेंट्स ने जो बोल दिया, टीचर्स ने बोल दिया, कहीं से सुन लिया, यूट्यूब पे देख लिया, तो बस हम उसी राह पर निकल पड़ते हैं। तो आप सोचिए आपका वही हाल होगा कि एक वेजिटेरियन बंदा नॉन वेज कंट्री में पहुंच जाए और भूखा मर जाए। ये स्टेप जो आप अभी करते हैं ना 12th के बाद, ये सबसे लास्ट में आते हैं दोस्तों। ये स्टेप पहला नहीं है अपना करियर चूज करने का, लिख कर रख लीजिए, अभी लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए कि 12th पास किया और बस लगे ढूंढने कि किसका एंट्रेंस फॉर्म निकल आया, भैया इसका भी निकल आया है, JEE का ही भर दें और BHU का भी भर दें, कोई से भी NIT का भर दें, BSc कर लें, BA कर लें, कॉमर्स कर लें, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप है नोइंग योर पोटेंशियल, लिख लीजिए अपनी डायरी में। आप ये समझिए कि नोइंग योर पोटेंशियल है क्या। पोटेंशियल आपका सामर्थ्य किन चीज़ों से मिलकर बनता है, आपकी एबिलिटीज, लिख लीजिए आपकी एबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटरेस्ट, इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपका पोटेंशियल बनता है। आप कितने एबल हैं उस चीज़ को करने के लिए जो आप बनना चाहते हैं, आपके अंदर आपका इंटरेस्ट क्या है। आप साइंटिफिक हैं, आप म्यूजिक में हैं, आप आर्ट्स में हैं, आप बिजनेस में, आप कॉमर्स में, आपका किस तरह का इंटरेस्ट है,
आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप बड़े एग्रेसिव नेचर के हैं, आप बड़े कूल काम पीसफुल हैं, आप बड़े क्रिटिकल थिंकर हैं, आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, आप बहुत रिस्पॉन्सिव पर्सन हैं, आप बड़े लेजी हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, ये सब आपकी पर्सनैलिटी है। तो आप वहीं जाना चाहेंगे जहां पर ये सब आपको सूट करें, वरना आप रिग्रेट करेंगे कि आप कहां पर आ गए। आज की डेट में 99% लोग ऐसी जगह पर बैठे हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करता। आप जब किसी सरकारी विभाग में जाते हैं और कोई क्लर्क काम नहीं करता है ना, तो आप उसको गाली देकर आते हैं कि किसने इसको यहाँ बिठा दिया। जी हाँ, किसी ने उसको नहीं बिठा दिया, उसने गलत करियर चूज किया है और वो उसको सूट नहीं करता है, लेकिन सरकारी काम है इसलिए वो वहाँ पर बैठा है और किसी की वो सर्विस नहीं कर पा रहा है जो उसे करनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए वहाँ बैठा है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, उसका नेचर ही ऐसा नहीं है। इसीलिए समाज में इतनी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अभी जो हमारा यूथ है, अभी जो पास आउट हुआ है 12th से, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को संवारने की, बनाने की। इसलिए पहला स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है नोइंग योर पोटेंशियल। लिखिए अपने पेपर पे आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस टाइप के हैं, आपका नेचर क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सब नोट डाउन करिए। और जितने भी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सारे पॉइंट लिखिए कॉपी पर, 10, 20, 30, 40, 50 जितने लिख सकते हैं आप लिखिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए और डेली उन पर देखिए, डेली उनको देखिए कि हाँ मैं ये ही हूँ और मुझे इसी के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है सेटिंग योर डेस्टिनेशन। अब हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया कि हमने अपने आप को पहचान लिया कि हम क्या हैं, अब उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेस्टिनेशन चूज करेंगे। डेस्टिनेशन का मतलब है कि आप आज से 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद कहां पर होंगे, आप जो करियर चूज करेंगे उसमें आप कहां पर होंगे। ये सीधा सीधा ये है कि आप एक कंपास लेकर जा रहे हैं और वो आपको नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन बता रहा है कि यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, ठीक है ना। करियर डेस्टिनेशन मतलब ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं, अब आपको पता चल गया कि आपको दिल्ली जाना है, आपने ये फिक्स कर लिया कि आपको दिल्ली ही जाना है बस। जैसे आपने फिक्स कर लिया कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको लॉयर ही बनना है, आपको एक आर्टिस्ट बनना है, आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, आपको पेंटर बनना है, आपको रोबोटिक इंजीनियर बनना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया तो ये आपका करियर डेस्टिनेशन फिक्स हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ये कैसे फिक्स करेंगे करियर डेस्टिनेशन, बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले करियर डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया और फिर सोच रहे हैं अरे यार मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, पहला नोइंग योर पोटेंशियल, दूसरा आप अपना सेटिंग योर डेस्टिनेशन, अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करिए कि आप आज से 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, ठीक। दो स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप है नोइंग योर पर्पस। दोस्तों बिना पर्पस के अगर आप अपना करियर चूज करते हैं तो समझ लीजिए आप कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। और जैसा कि आप आजकल देखते हैं ना, एक बच्चा एक जॉब में गया, 2 साल काम करा, फिर दूसरी में चला गया, फिर कुछ वहाँ काम किया, फिर कहीं और चला गया, और ज़िंदगी भर वो भटकते रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह की लाइफ आप ना जिए, मैं ये चाहता हूँ आप एक पीसफुल, सेटिस्फैक्ट्री, पर्पसफुल लाइफ जिए। तो सबसे पहले पर्पस पता करिए, और पर्पस पता करने का मतलब है व्हाई यू वांट टू डू दिस जॉब, व्हाई यू वांट टू चूज दिस करियर। अपना व्हाई पता करिए, व्हाई पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पर्पस अगर आपने पता कर लिया कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, सपोज आपने सोच लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं इसका आंसर आपके पास नहीं है, तो फिर आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है कि आपने अपना डेस्टिनेशन सही चूज किया है कि नहीं। आप किसी भी फील्ड में पर्टिकुलर रोल निभाना चाहते हैं तो वो क्यों निभाना चाहते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपका जो करियर डेस्टिनेशन है और आपका जो पर्पस है वो दोनों अलाइन होने चाहिए, तभी आप एक सही करियर चूज कर पाएंगे। इसलिए तीसरा पॉइंट, पर्पस सेट करिए, नोइंग द पर्पस, अपने करियर का पर्पस पता करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। जो चौथा है, अब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वही हम सब करते हैं 12th के बाद इमीडिएटली। जो हमें अब चौथी स्टेज में करना है वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। स्ट्रीम सिलेक्शन मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेंटिंग,
सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, किसी भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, अब डिसाइड होगा जब आप ये तीन स्टेज पार कर लेंगे। मतलब आपका पोटेंशियल आपको पता चल गया, आपने अपना डेस्टिनेशन डिसाइड, आपने अपना डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, आपको पर्पस भी पता चल गया कि आप क्यों ये काम करना चाहते हैं, उसके बाद आप स्ट्रीम चूज करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रीम सिलेक्शन चौथे स्टेज में आता है, जो सब गलती करते हैं कि पहले स्टेज में स्ट्रीम सिलेक्शन करने लगते हैं और फिर भटक जाते हैं। तो आज आपको पता चला कि चौथी स्टेज है स्ट्रीम सिलेक्शन की। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, उस ऑप्शंस में से आपको चूज करना है अपनी स्ट्रीम। आप क्या बनना चाहते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से चूज करना है आपको अपनी स्ट्रीम। तो स्ट्रीम सिलेक्शन इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर डिसीजन मेकिंग। और स्ट्रीम सिलेक्शन आपकी जो डेस्टिनेशन और पर्पस है उससे डिसाइड होगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको समझ में आई ये बात? अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ओके। पांचवा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है चैनलाइज योर एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये जो समय है, जो आपकी एज है ना, इस टाइम में आप एक बॉम्ब की तरह हैं। आपके पास एनर्जी का एक बॉम्ब है जो या तो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है या आपको डेवलप कर सकता है। डिसीजन आपके हाथ में है कि आप अपनी एनर्जी को कहां पर यूज करना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपनी एनर्जी को आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यूज करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है ना, आपको हमेशा गलत डायरेक्शन में ही ले जाएगी। क्योंकि गलत काम करना बहुत आसान है, सही काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप अपनी एनर्जी को इस टाइम चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर आप फिर भटक जाएंगे, फिर आप अपने करियर को, सही करियर को चूज नहीं कर पाएंगे और फिर भीड़ में शामिल हो जाएंगे, जहां पर लाखों करोड़ों लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्री हाथ में लिए, उसी लाइन में आप भी खड़े हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस लाइन में पहुंचे। मैं चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल, पर्पसफुल लाइफ जिए और अलग ही नजर आए, दुनिया के सामने अलग ही नजर आए, आपकी अलग एक आइडेंटिटी हो। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं, ताकि आप उस एनर्जी का यूज अपने करियर की डिसीजन मेकिंग में कर पाए। और जो लास्ट स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं कहूंगा, डिफाइन पाथ्स। इन सब पांच स्टेपों के बाद आप अपना पाथ डिसाइड करिए। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको दिल्ली जाना है, तो अब आप पाथ कैसे पता करेंगे? दिल्ली आप जा सकते हैं बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, पैदल जा सकते हैं, घोड़ा गाड़ी से जा सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं दिल्ली पहुंचने के, और आप किसी भी रूट से दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्लेन से ही जाना है आपको। अगर आप प्लेन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? आप ट्रेन से जाएंगे, फर्स्ट क्लास एसी से नहीं जा पा रहे तो स्लीपर से जाएंगे, उससे भी नहीं जा पा रहे तो बस से जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप को पाथ पता है तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो आपने जब डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया है तो पाथ का मतलब है हाउ, आप कैसे पहुंचेंगे। आपको व्हाट पता है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको वाई पता है, आपका पर्पस, आप क्यों बनना चाहते हैं, तो हाउ ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है। तो करियर पाथ जब आपको पता चल जाएंगे तो उसमें से कोई सा भी करियर पाथ जो आपको सूटेबल लगे आप चूज कर लीजिए, बेस्ड ऑन योर एबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट, और बस आप एक सही करियर चूज कर पाएंगे इन सब स्टेप्स को सीक्वेंस में फॉलो करके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके करियर डिसीजन में मदद करेगा। तो मेरे जो भी बच्चे 10th में, 12th में हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करिए, और मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए कि अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा और अगले वीडियो में फिर से डिटेल में आपको और समझाऊंगा कि आप कैसे अपना करियर सही तरीके से चूज कर सकते हैं और एक पर्पसफुल, सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे यूं ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।